हदीस में आता है और ये मिश्कात शरीफ में भी हदीस है, मुस्नद अहमद इब्न हंबल के हवाले से और जामे तिर्मिजी के हवाले से। हुजूर फरमाते हैं हारिस अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी है, इन्नी आमुरुकुम बिखम्सिन, मुसलमानों में तुम्हें पांच बातों का हुक्म दे रहा हूं। अल्लाह अमरनी बिहिन्ना, एक रिवायत में ये इजाफी अल्फाज है, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है इनका, अपनी तरफ से नहीं दे रहा। हालांकि हुजूर को इख्तियार था, आप अपनी तरफ से भी हुक्म दे सकते थे। वो पांच बातें क्या हैं? बिल जमात व समय व ताअत वल हिजरत वल जिहाद फी सबीलिल्लाह। कितना बड़ा मजमा इस वक्त यहां है, क्या मैं पूछ सकता हूं कितने लोगों ने यह हदीस सुनी है आज से पहले? जरा हाथ उठाएं। क्या वजह? देखिए, पांच चीजें वो हैं जो हम में से हर एक को याद है। हदीस याद होना हो उसका एसेंस तो याद है। बोले अल इस्लाम अला खम्सिन, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकाम सलात व इताए ज़कात व सौम रमजान व हज बैत मन इस्तता इलैह सबीला। किसको नहीं मालूम पांच अरकान इस्लाम? और किसने फरमाया? ये हुजूर ने। और ये कलाबे खबरिया है, बोले अल इस्लाम अला खम्सिन, इसमें अमर का अंदाज नहीं है, खबर है। इस्लाम की ताबीर पांच बुनियादों पर है। ये हदीस हमें याद है और जिसके कह रहे मैं हुक्म देता हूं तुम्हें और अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, ये पांच बातें हमारे जहन से निकल गई। इसलिए कि हमारे जहन में इस्लाम का तस्वुर मजहब का है, दीन का है ही नहीं। हम वही समझते हैं कि नमाज, एक तो यह कि हमारे अकायद ठीक हो, नमाज रोजा हज जकात का तकादा हो, और कुछ जो हमारे सोशल कस्टम्स हैं, ईदे मनाए, जुमा पढ़े, कुर्बानियां दिया करें ईद उल अज़हा में, बच्चे का अकीका करें, मुर्दे को दफनाएं कफनाएं, शादी हो तो इजाब कबूल कराएं, फेरे नहीं डलवाएंगे। भाई ये हमारा दीन है, हमारा मजहब है, मजहब दीन नहीं है। यह दीन का तसव्वुर ही नहीं। हम इतने खूगर हो गए महकूमियत के कि दीन के इकामत का तसव्वुर, दीन को गालिब करने का तसव्वुर हमारे जहनों से निकल गया, जहन में है ही नहीं। उलमा को भी अजनबी सी बात लगती है, ये क्या बात कह रहे हैं, ये तो अजनबी सी बात है। इसलिए कि हमारे जहनों से तसव्वुर निकल गया। पहले मुसलमान बादशाह थे, मुलुकियत थी, वो इस्लाम तो नहीं था। इस्लामी निजाम तो खिलाफत राश्ता का था, अबू बकर और उमर और उस्मान और अली और हजरत हसन को मैं मजीद शामिल करता। तब 30 बरस बनते हैं जो हुजूर ने फरमाया था कि ये 30 बरस खिलाफत रहेगी। बाद में तो मुलुकियत आ गई, ये बनू उमैया के बादशाह थे, चाहे खुलफा अपने आपको कहलवाए। बनू अब्बास तो बड़े बादशाह थे, शहनशाह थे, बड़े महल बनाए थे। और यही हाल फिर जिनको हम कह देते हैं उस्मानी खुलफा, यानी तुर्क बादशाह और शहनशाह, उनका भी हाल यही था। इस्लाम कहां? उसके बाद आ गए अंग्रेज। अंग्रेज ने कहा कानून हमारा होगा, क्रिमिनल लॉ हमारा होगा, सीआरपीसी हमारी होगी, सिविल लॉ हमारा होगा, निजाम हमारा होगा। हां, नमाज पढ़ सकते हो, रोजा रख सकते हो, हमें कोई तुमसे, तुम्हारे मजहब से कोई दुश्मनी नहीं। बल्कि अंग्रेज ने तो बड़ी रियायत की थी, उसने कहा था तुम अपने फैमिली लॉज भी अपनी मर्जी से जैसे चाहो तय करो। आज मुसलमान ममालिक में से भी अक्सर ने अपने फैमिली लॉज छोड़कर यूरोप के फैमिली लॉज इख्तियार कर लिए। और पहली मरतबा यह काम किया था अतातुर्क ने, और यूरोप के अखबारात ने फिर तंजिया लिखा था कि यह अजीब कौम है, कहती है कि बेहतरीन कानून हमारे पास है और हाल यह है कि फैमिली लॉज भी हमसे मांग रहे हैं, रोमन लॉज से अखज कर रहे हैं फैमिली लॉज, यह इनका हाल है, कहते हैं बेहतरीन कानून हमारे पास।
तो अंग्रेज के आने के बाद अब हमारा उलमा का काल अल्लाह काल रसूल या मदरसा चला ले। बहरहाल उन्होंने बड़ी खिदमतें की हैं, अगर ये ना होता तो शायद हमारे यहाँ मसाजिदें आबाद ही ना होती। कम से कम उलमा ने वो पोजिशनें जो हैं वो पुर की हैं, एक एक ढांचा जो है वो बरकरार रखा है, इसमें कोई शक नहीं, उनकी खिदमत है। लेकिन अंग्रेज ने तो जो भी था सिर्फ इतनी आजादी दी थी, इसी को हम ज़हनन रिकंसाइल कर चुके हैं, बस इस्लाम यही है नहीं। और आज मैं आपको बता दूं, अमेरिका और इंग्लैंड खास तौर पर और बकिया ईसाई मुमलकतें भी बिलउमूम इस्लाम के खिलाफ जो जंग जारी कर रहे हैं और तेजी के साथ ये बढ़ेगी, उसका भी मामला ये है कि मजहब की हैसियत से इस्लाम के खिलाफ उनकी कोई जंग नहीं। जब बुश कहता है कि हम तो इस्लाम के खिलाफ नहीं, सही कहता है, सच कहता है, वो ये कह सकते हैं, यू हैव कम हियर, यू हैव परचेज चर्चिज एंड सिनेगॉग्स एंड कन्वर्टेड इनटू मॉस्क, डिड वी ऑब्जेक्ट, तुम यहां आए तुमने चर्च खरीद के मस्जिद बना ली, सिनेगॉग यहूदियों का खरीदा और मस्जिद बना ली, हमने कभी रोका तुम्हें? तुम नमाजें पढ़ते हो, हमने रोका? रोजे रखते हो, हमने रोका? बल्कि रमजान में व्हाइट हाउस में एक इफ्तारी भी दे देते हैं तुम्हें, सेरिमोनियल। तुम्हारी ईद है, बकरीद है, हम कॉमेमोरेटिव स्टैंप्स जारी कर देते हैं, ये ईद का जो है डाक का टिकट है और ये बकरीद का है। तो मजहब से तो हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन इस्लाम का सियासी माशी और समाजी निजाम, नथिंग डूइंग, वी विल नॉट बेयर इट, निजाम हमारा होगा। दीन की बात फैलाना सदका जारिया है, सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकअल्लाह।